सऊदी अरब में लाउड स्पीकर बंद हो सकते हैं तो फिर भारत में क्यों नहीं। रमजान में फिर यह मुद्दा उठाएंगे राज ठाकरे। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने बुधवार को गुड़ी पड़वा के मौके एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। MNS प्रमुख आज क्या बोलेंगे इस पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई है। MNS का स्थापना दिवस भी हाल में संपन्न हुआ जिसमें राज ठाकरे ने अपनी पार्टी की आगामी भूमिका गुड़ी पड़वा की सभा में जाहिर करने की बात कही है। इसी दौरान एक इंटरव्यू में राज ठाकरे ने कई मुद्दों पर खुलकर बात भी की है। खास तौर पर उन्होंने मस्जिदों के ऊपर लगे लाउड स्पीकर पर भी बयान दिया है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि आज की सभा में राज ठाकरे इस मुद्दे पर भी बोलेंगे। राज ठाकरे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार के समय मस्जिद पर लगे लाउड स्पीकर का मुद्दा जोर शोर से उठाया था जिसके बाद कई जगहों पर तनाव की स्थिति पैदा हुई थी। राज ठाकरे ने तत्कालीन सरकार को मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटवाने के लिए अल्टीमेटम भी दिया था, अगर मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर नहीं हटे तो उनके बाहर हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर ही किया जाएगा। उस समय इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी हुई थी। अब एक बार फिर से इस मुद्दे पर सियासत गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब राज ठाकरे ने सवाल उठाया है कि अगर सऊदी अरब में लाउड स्पीकर बंद हो सकता है तो फिर भारत में मोदी ऐसा क्यों नहीं करते हैं, क्या बोले राज ठाकरे। राज ठाकरे ने कहा कि जो हिंदुत्व करते हैं वो एक बार मुझे अपना हिंदुत्व समझाएं। अगर सऊदी अरब में लाउड स्पीकर बंद हो सकता है तो फिर भारत में क्यों नहीं हो सकता। आज की सभा में इस मुद्दे पर फिर बात करूं। राज ठाकरे ने कहा कि आपको जावेद अख्तर द्वारा पाकिस्तान में दिया गया उनका स्टेटमेंट सुनना जरूरी है। जब आप लोग हमारे देश की लता मंगेशकर को नहीं मानते तो फिर हम लोग आपके कलाकारों को क्यों इज्जत दें। राज ठाकरे ने जब हमारे देश में खुद इतना टैलेंट है तो फिर हमें पाकिस्तानी कलाकार क्यों चाहिए। ठाकरे ने कहा कि 1995 के बाद से भारत में चैनल और इंटरनेट आते गए जिसकी वजह से राजनीतिक आंदोलनों से शिक्षित वर्ग धीरे धीरे दूर होता गया। इसी की वजह से गरीब और अमीर के बीच की कड़ी टूट गई। राज ठाकरे ने कहा कि 1995 के पहले का कोई भी आंदोलन उठाकर देख लीजिए, उसमें मध्यम वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग होते हैं, यही अमीर और गरीब के बीच की कड़ी।